नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। आप दर्शकों को बता दें कि लगातार ज्ञान बापी शहीदगाह मस्जिद विवाद पर घमासान मचा और उसी को लेकर कोर्ट में आज बड़ा फैसला आ सकता है। काशी और मथुरा के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है। दोनों जगहों पर मस्जिदों को लेकर चल केस में अदालतें अहम फैसला सुना सकती हैं। आइए पूरा मामला क्या आप दर्शकों को समझा दें। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटी ज्ञान बापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बगल वाली शाही ईदगाह मस्जिद के मामले पर अदालत आज सुनवाई करेगी। दोनों मामलों पर कोर्ट अहम फैसला दे सकती है। ज्ञान बापी मस्जिद में सर्वे के दौरान में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर अदालत आदेश दे सकती है। वहीं मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराया जाए या नहीं, इसे लेकर कोर्ट फैसला सुना सकता है। आप दर्शकों को बता दें, कोई भी चीज कितनी पुरानी है इसे पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाती है। वाराणसी की अदालत अगर सर्वे में ज्ञान बापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का फैसला देती है तो इससे पता चलेगा कि वह कितना पुराना है। वाराणसी के जिला जज एक विशेष मामले पर फैसला सुना सकते हैं। कहा जा रहा है कि कथित शिवलिंग का कार्बन डेटिंग कराने को लेकर भी हिंदू पक्ष दो धरों में बटा हुआ है। मामले के कानूनी पक्ष को देख रही संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सी विशेषण का धारा कार्बन डेटिंग कराने का विरोध कर रहा है। वहीं वकील विष्णु शंकर जैन का पक्ष कथित शिवलिंग का कार्बन डेटिंग कराने की मांग कर रहा है। आप दर्शकों को बता दें, ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर चल रहे अलग अलग मामलों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञान बापी मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी संपत्ति भगवान विश्वेश्वर की है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद पर अपना अधिकार होने का दावा कर रहा है। वहीं हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया है कि मुगल अकारणता औरंगजेब ने इस जगह पर जबरन कब्जा किया था। अदालत के सर्वे के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने गलत बताया था। वहीं हिंदू पक्ष ने कोर्ट के आदेश का समर्थन किया था। आज जो भी खबरें आएंगी आप दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते हैं कि आखिर अदालत आज क्या फैसला सुनाती है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।